देखिए, अगर आप भी गैस से, गैस्ट्राइटिस से परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा इन बातों को जो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत छोटी सी दो टिप्स हैं, अगर आपने इनको मान लिया तो मैं यकीन दिला के आपको कह सकता हूँ कि आपको गैस कभी नहीं बनेगा। सिर्फ आपको इन कुछ आदतों को बदलने की जरूरत है। पहला, आपको ये तीन शब्द याद करने हैं। ये तीन वर्ड्स कौन कौन से हैं? हरी, वरी एंड करी। हरी का मतलब होता है कि अगर आप जल्दबाजी में खाते हैं, ठीक से नहीं चबाते हैं, तो जो आपके स्टमक के अंदर एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट होता है। फिर ऊपर से आपने जल्दी खाया तो उसमें सलाइवा ठीक से नहीं मिला, बाकी जो गैस्ट्रिक जूस हैं वो ठीक से नहीं मिले, और फिर आपको इंडाइजेशन शुरू हुआ, और जब इंडाइजेशन शुरू हुआ तो आपको गैस्ट्राइटिस हो गया, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिड रिलीज होने लगता है, तो जिससे गैस्ट्राइटिस होता है, इसका मतलब आपको गैस बहुत ज़्यादा बनती है। दूसरा होता है वरी। जो लोग चिंतित होते हैं, वो चिंता किसी भी चीज को लेके हो सकती है। चिंता बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स को और हार्मोन्स को ट्रिगर करती है, जिससे आपके स्टमक के अंदर जो HCl है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो भोजन को पचाने के लिए बहुत जरूरी है, वो बहुत ज्यादा बनने लगता है। ऐसा होने से जो स्टमक की दीवारें हैं उन पे इरोजन्स आने लगते हैं, या सूजन या इन्फ्लेमेशन आने लगती है, और गैस बहुत ज्यादा बनती है। तो अगर आप चिंतित हैं किसी चीज को लेके, थोड़ा चिंता का भाव भी आप कम करें तो आपका गैस बनना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो तीसरा शब्द है वो है करी। करी का मतलब आप समझते होंगे, जो भी आपकी सब्जियां बनती हैं या नॉन वेज अगर लोग खाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा करी होती है। करी भी जो है एक सबसे बड़ा कारण होता है गैस बनने का, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मसाले होते हैं, ऑयल होता है, मिर्च होता है, और ये सब भी जाके इरिटेंट का काम करते हैं आपकी स्टमक की दीवार पे, जिससे वहां पे सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, और एसिड का सिक्रेशंस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये भी तीसरा बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से आपको गैस बनती है। तो अगर आप हरी, वरी, करी शब्द को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको गैस नहीं बनेगा। ये साइंटिफिक प्रूवन बातें हैं, इनको आप अपनाएं। और एक हैबिट जो आपको बदलने की जरूरत है, वो हैबिट क्या है कि आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले आप पानी पिए, बीच में अवॉइड करें, और खाने के अंत में बिल्कुल भी पानी ना पिए। इसको एक एग्जाम्पल देके मैं अगर समझाऊं, अगर आप खाने के शुरू में पानी पीते हैं तो ये ऐसे है जैसे गोल्ड, बहुत कीमती होता है। इसके दो फायदे हैं, एक तो ये आपके स्टमक को थोड़ा सा फुल कर देता है, तो आप खाना कम खाते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और दूसरा जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनका जो pH है उसको मेंटेन कर लेता है, जिससे डाइजेशन आसानी से होता है। अगर आप बीच में पानी पीते हैं तो इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं जैसे सिल्वर। तो ठीक है, अगर जरूरत हो तो थोड़ा बहुत एक दो घूंट बीच में आप पानी पी लें, या कभी आपको गले में खाना फंसता है तो पी लें, अदरवाइज आप बीच में भी पानी पीना अवॉइड करें, क्योंकि फिर उस समय एसिड सेक्रेट होने लगता है, वो डाइल्यूट होने लगता है। और लास्ट में तो आप बिल्कुल ना पिए। इसको ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है जैसे क्या, शीशा, गिलास, वो बेकार है, वो किसी काम का नहीं है, टूटेगा तो और जख्म ही देगा। तो लास्ट में खाने के अंत में बिल्कुल भी पानी ना पिए, वो आपको नुकसान करेगा। एक तो ये कि जो एसिड निकला है भोजन को पचाने के लिए वो डाइल्यूट हो जाता है, अगर ये डाइल्यूट हो जाएगा तो फिर आपका भोजन देर से पचेगा और भोजन आपके पेट में देर तक पड़ा रहेगा, जिससे इंडाइजेशन होगा, गैस ज्यादा बनेगी और आपकी जो शिकायत है वो बनी रहेगी। तो आपको सिर्फ ये दो चीज अगर आपने समझ ली, हरी, वरी, करी, और दूसरा ये पानी पीने की आदत, अगर आपने ये दो चीजें कंट्रोल कर ली तो ना आपको रेंटेडिन की जरूरत पड़ेगी और ना पेंटाप्रोजोल की जरूरत पड़ेगी या किसी और तरीके की किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको फ्राइड, तला, भुना, बहुत तेज मसालेदार, इसको भी अवॉइड करना है। फाइबर ज्यादा इस्तेमाल करें अपने खाने में, वो आपको फायदा करेगा, और नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर वाकई आपको जानकारी अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, सो दैट इस तरह के वीडियोज आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू।